इंदु जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इंदु जी झूला झूलते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए और ये स्लाइडर पे दैट्स गुड गर्ल नाइस। अंतस योग में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल ये है कि हमारे पेट पर जमी हुई ये जिद्दी चर्बी आखिर कैसे कम होगी। दरअसल हम सभी पतले और छरहरे दिखना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ना तो हमारे पास एक्सरसाइज करने का समय है और ना ही कोई खास डाइट फॉलो करना हमारे बस की बात है। लेकिन यदि आप बचपन को एंजॉय करना चाहते हैं तो यकीन मानिए एक बार अंतस योग के सेशंस जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज और डाइट टिप्स जिनको फॉलो करके आज हजारों महिलाएं अपना वजन कम कर रही हैं। अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से परेशान है जिसका हल आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एक बार अंतस योग के सेशंस जरूर ज्वाइन कीजिए। और जब ही आई थी, जो लोग मेरे साथ पुराने इनके साथ चल रहे हैं, इनका इधर आओ, इनका पेट देखा था, ये चीज बिल्कुल निकली हुई थी, ये वाली चीज याद है आपको भाई। जो नए लोग आ रहे हैं हमारे पास बिगनर्स, उनको तो नहीं पता, लेकिन जब ही आई थी कितना इनके कंधे में दर्द याद है, जो लोग पुराने हैं, और कितना इनके फिर साइड में पेन हुआ, जगह जगह के पेन, स्टिफनेस खुली और पेन्स निकलते चले गए। कह रहे बेटा, कह रहा था डोले पतले हो गए क्योंकि नीता जी के डोले ना जरा अच्छे थे। और साथ में इनका ये जो मुझे अच्छे से याद है, ब्रेस्ट से आगे पेट ऐसे था, ब्रेस्ट से आगे पेट था इनका। ये भी है मेरा, बिकॉज़ मेरी अभी 8 सर्जरीज हुई है। ओ हां, आई हैव गॉन थ्रू 8 सर्जरीज, पूरा पेट कटा हुआ। देखो उसके साथ भी लोग कहते हैं सर्जरी या सी सेक्शन के बाद कैसे वजन कम करें, आपके सामने लाइव एग्जांपल आई, वेरी गुड। क्यों, मेरे को देख के आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है। नहीं, मैं खुद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि होल डे आई एम नॉट गोइंग टू लाई डाउन, होल डे आई एम नॉट स्लीपिंग एंड होल डे आई एम वर्किंग। ऊपर नीचे का घर, नो मेड, नथिंग डूइंग। क्या बात है। अंतस योग में आपका स्वागत है। मैं मिसेस जैन, योग विशेषज्ञ। अगर आपका बढ़ता हुआ वजन लगातार बढ़े जा रहा है, उसको रोकने के लिए, बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए हम 3 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहते हैं मेरे पेन्स बढ़ जाएंगे, मैं आना नहीं चाहती थी सेंटर में कि मेरे पेन्स बढ़ जाएंगे, छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन इनका बेटा मेरे बेटे का फ्रेंड है तो उसने कहा अपनी मम्मी को एक बार भेजो, तो आज वही नीता जी हैं, वही मीता जी हैं, सब कुछ चेंज हो गया वजन के। एंड फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग एट वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग, अदरवाइज आई नीड द प्लेस आफ्टर वरना, नहीं तो छोड़ देते थे एक मंथ के बाद किया और छोड़ दिया, लेकिन पहली जगह है जो 3 महीने कंटिन्यूअसली आई है। एंड रोज रात को मैं इसको कहती हूं, मैं कहा आयुष तुझे सुबह जाना है, कहता नहीं अंकल छुट्टी कर लो ना, मैं कहा नो। देखो ये कहां से आई लगन कि मुझे जाना है, आप तो घर में बैठे हो, स्क्रीन खोल लिया, बैठ गए, लेकिन वहां से इतनी दूर से कहां से, रोहिणी से, सरस्वती विहार से दूर है, गाड़ी उठाना आना, आपने तो स्क्रीन खोलना है बस, समझ रहे हो। चलो फिर कुछ नया।